नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने एमएस पावर पॉइंट 2007 का नेक्स्ट वर्जन जो हमारे लास्ट वीडियो का अगला भाग है लेके आया हूँ। आज हम आपको एनिमेशन इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझाते हुए स्लाइड बनाना सिखाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्लाइड बनाई थी एनिमेशन इफेक्ट और ट्रांजिशन के साथ, लेकिन एनिमेशन इफेक्ट को हम ठीक से समझ नहीं पाए थे क्योंकि हम ज़्यादा स्लाइडों वाला प्रोजेक्ट हमने लिया था। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना के रखी है और केवल 3 स्लाइड ली हुई मेरे द्वारा, ताकि 10 मिनट में मैं आपको सारा जो इफेक्ट है वो लेके बता सकूँ। आपको स्लाइड बनाना मैंने सिखा दिया है पहले वीडियो में, जो कि एमएस पावर पॉइंट की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको समझ में आए। आप पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा वीडियो देखें, पर प्लेलिस्ट जितनी भी हमारे पास प्लेलिस्ट है उनमें सब में आपको यही क्रम अपनाना है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको स्लाइड बनाना बताया, उसी प्रकार मैंने स्लाइड बना के रखी है। अब मैं यहाँ पे एक स्लाइड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे इसका टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, एनिमेशन पे गया और एनिमेशन पे जाने के बाद मैं कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया। जैसे ही कस्टम एनिमेशन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कस्टम एनिमेशन ऑप्शन खुल गया है। एड इफेक्ट पे मैं जाऊंगा, पहले मैं एंट्रेंस के सारे इफेक्ट लगा देता हूँ। एंट्रेंस पे इफेक्ट पे क्लिक करके मोर इफेक्ट्स, यहाँ पे मैं एक एक करके इफेक्ट देख लूंगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे कौन सा इफेक्ट लगाना है। तो ये इफेक्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है और ओके कर दिया। इसको मैंने ऑन क्लिक रहने दिया क्योंकि ये पहला ही हमारा पहली स्लाइड है और पहली स्लाइड का पहला वाला टेक्स्ट है, इसलिए मैं इसको क्लिक करूंगा तभी ये शुरू होगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। इसके बाद मैं दूसरा टेक्स्ट क्लिक करता हूँ, एड इफेक्ट पे गया, एंट्रेंस पे जाकर मैंने मोर इफेक्ट, और यहाँ पे मैं कोई भी एक इफेक्ट ले लेता हूँ। कलर टाइपराइटर मैंने ले लिया, ओके कर दिया, और यहाँ पे मैंने आफ्टर प्रीवियस इफेक्ट चुना है। स्पीड मैंने फास्ट ले ली, और फास्ट से भी ज़्यादा वेरी फास्ट लेना पड़ेगा, और या फिर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वेरी फास्ट ही चलेगा। अब मैंने यहाँ पे एंट्रेंस इफेक्ट ले लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एग्जिट इफेक्ट भी डाल दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहला वाला जो टेक्स्ट है वो पहले वापस जाए, तो मैं इस पर एग्जिट इफेक्ट डाल देता हूँ। एग्जिट करने के लिए कौन सा इफेक्ट सही रहेगा मैं देख लेता हूँ। स्पाइरल आउट ओके कर दिया मैंने, और इसे भी मैंने आफ्टर प्रीवियस कर दिया है। यहाँ से फिर से मैंने अगले का चयन किया, और इसको भी जो सेकंड वाला टेक्स्ट है उसे भी एक एग्जिट वाला मैंने लगा लिया है। यहाँ पे इसे भी आफ्टर प्रीवियस किया है और स्लो ऑप्शन ले लिया। अब मैं सेकंड स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। सेकेंड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद यही क्रम मैं दोहराऊंगा। यहाँ पे इस पे पहले वाले टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, एंट्रेंस, एंट्रेंस पे जाने के बाद कोई भी एक इफेक्ट मैं चूज कर लेता हूँ। ओके कर दिया, इसे मैं आफ्टर प्रीवियस दे रहा हूँ क्योंकि एक स्लाइड हमारी आ चुकी है पहले, इसलिए अब हमें क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रूप से आने के लिए आफ्टर प्रीवियस लेता हूँ। आपको बीच वाला जो ऑप्शन है वो चुनने की आवश्यकता नहीं है, ये आप ऑटोमेटिक रहने दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको केवल स्पीड और स्टार्ट पे बदलना है। दूसरी क्लिप आर्ट पे मैंने क्लिक किया, और क्लिप आर्ट पे भी हम एनिमेशन इफेक्ट डालेंगे।
ये वाला सर्कल इफेक्ट मैंने चूज किया है एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे मैं आफ्टर क्लिक ले रहा हूँ, आफ्टर प्रीवियस। स्पीड आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेरे पास समय कम है वीडियो के अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसे। यहाँ पे फिर से मैंने आफ्टर प्रीवियस लिया है, मैं सभी में आफ्टर प्रीवियस ले रहा हूँ। इसके पश्चात मैंने इनके भी सारे जो ऑब्जेक्ट है उन पे एग्जिट वाला लगा दिया है। ध्यान रखिए आप, मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ आपको सारा वही देखना है, और क्या क्या मैं कौन कौन से इफेक्ट लगा रहा हूँ, एग्जिट लगा रहा हूँ या एंट्रेंस लगा रहा हूँ, वो आपको जरूर देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो स्लाइड तैयार हो गई है, तीसरी स्लाइड को मैं और कर देता हूँ तैयार। एड इफेक्ट, एंट्रेंस, ध्यान रखिए पहले एंट्रेंस होता है तभी एग्जिट होता है, एंट्रेंस से पहले हम आते हैं फिर जाते हैं। इसी प्रकार स्लाइड के अंदर पहले टेक्स्ट आएगा तभी जाएगा, आप पहले एग्जिट ना लगा दें जिससे स्लाइड खुद कन्फ्यूज हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी डिजाइनें मिलेंगी यदि आप धीरे धीरे इसका चूज करेंगे। तो अब एंट्रेंस लगाने के बाद मैं फिर से इस पे एग्जिट लगा देता हूँ, और हमारे पास समय कम बचा है ताकि आपका स्लाइड शो में करके बता सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आपको करके बता देता हूँ। निश्चित समय में हमने हमारी स्लाइड तैयार कर ली है। अब मैं स्लाइड शो पे जाकर आपको फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ, और एक बार हमने शुरुआत वाले में क्लिक वाला ऑप्शन लिया था इसलिए मैं एक बार क्लिक करूँगा, उसके बाद हमारी स्लाइड ऑटोमेटिक चलेगी। देख रहे हैं आप हमारा जो एनिमेशन इफेक्ट है वो ठीक से काम कर रहा है। आशा है आप भी इस वीडियो को देखकर ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशन इफेक्ट वाली स्लाइड्स तैयार किए करेंगे। यहाँ पे एक स्लाइड खत्म हो गई है इसलिए हम इंटर करेंगे ताकि दूसरी स्लाइड शुरू हो जाए। फिर से इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड कितनी अच्छी बनी है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ऐसा लगा हो कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी में सिखाया है तो आप इस वीडियो के जब YouTube पे देखेंगे तो उसमें साइड में एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप क्वालिटी का ऑप्शन भी दिखेगा और वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे स्पीड को स्लो कर ले, वेरी स्लो कर ले जिससे आपको समझ में आए, या इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और भी कुछ ऐसा कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में पावर पॉइंट के हम जो बचा हुआ इफेक्ट है वह देखेंगे। धन्यवाद।